तो लेकिन इसमें पुलिस इंटरनल डिस्कशन करती होगी। मेरा यह कहना है कि पुलिस का संवाद आम नागरिक से, जिस इलाके में मान लीजिए कि आपको पुलिसिंग करनी है, आप वहां 10, 20, 50 घरों के लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए, उनके साथ बात करिए, उनको बोलिए कि भाई आप अपने गली मोहल्ले में कैसा आचरण करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे आप अपनी पुलिसिंग को बेहतर कर सकते हैं, ये उनके दायरे में आती है या नहीं आती है? नहीं, पुलिस का दायरा बहुत डिफाइंड नहीं है, इसीलिए सब कुछ आ सकती है, ये भी आती है कहने को। लेकिन पुलिस के इस तरह के डिबेट को कौन सीरियसली लेता है? पुलिस अपना काम अच्छे से करे, वही लोग अप्रिशिएट करते हैं। और पुलिस डिस्कशन कराए, डिबेट कराए लोगों में जोड़ने के लिए, तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, मुझे उसका आई हैव सीरियस डाउट्स। बहुत बारीक आपने हालांकि ये बहुत, ये विषय ऐसा है जिस पर मैंने हंसी आनी नहीं चाहिए, लेकिन हंसना पड़ गया, क्योंकि बहुत आपने बारीक, इतना बहुत सटीक व्यंग किया है जो समझने वाले हमारे दर्शक समझ गए होंगे। योगिता, उदय जी ने कहा कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो पूरी तरह से ब्रेक कर गया, मी माय फैमिली माय डॉग तक सीमित रह गया है, कोई विजिलेंट नहीं है, पड़ोस में क्या हो रहा है ये हमने अपन ने देख लिया, सामने से देख लिया, 5-7-10 मिनट जितने देर तक वो घटना घटी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी ने हिम्मत नहीं की। और ऐसा भी नहीं है कि वो बंदूक चला रहा है, उसके हाथ में कोई गोली बंदूक भी नहीं है, वो एक मामूली छुरे से वो वार कर रहा है और उसके बाद पत्थर उठा करके उसको चोट पहुंचा रहा है या उसकी हत्या कर रहा है। ये काम आसानी और बहुत बलशाली भी नहीं है, ऐसा नहीं, अगर 5-10 लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते इसको पकड़ा जा सकता था, और शायद अगर पहले वार में ही पकड़ लेता तो शायद आज बच्ची जिंदा होती। तो क्या आप भी अग्री कर रही हैं कि हाँ, हमारा सोशल फैब्रिक टूट गया है और यही एक रूट कॉज है इस तरह के सोशल क्राइम के? देखिए, ये तो एक क्वेश्चन है और उदय जी ने बहुत सही बोला, सोशल फैब्रिक तो टूटा है उसमें कोई डाउट नहीं है, पहले उसको भी समझ लेते हैं, फिर ये जो क्राइम हुआ और ये जो बाईस्टैंडर थे, जो ये लोग खड़े थे, उस कॉलोनी में मैंने काम किया हुआ है, काफी साल काम किया है उस एरिया में मैंने, तो मैं बता दूं वो सारी माइग्रेंट्स हैं, तो वो सुबह जाते हैं, लेबर्स हैं, वो शाम को आते हैं, उनको अपना 2 वक्त का खाना खाने के लिए अलावा कोई काम, मतलब पैसा ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो उनके लिए ऐसे क्राइम में इंटरवीन करना, मतलब इट्स अ बिग थिंग, और उनको कोई अवेयरनेस नहीं है, दे आर लाइक, मतलब जैसे कि क्या बोले, मतलब हमारे देश में क्या हाल है लेबर्स का या ऐसे माइग्रेंट लोगों का, उनसे क्या उम्मीद कर सकते थे आप कि वो लोग सीना चौड़ा करके जाते और बचाते? अगर यही कोई साउथ दिल्ली की कम्युनिटी या किसी हाई एंड लोकेशन में होता तो मैं एक्सपेक्ट करती लोगों से, हालांकि मैं इस बात को कभी नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने जो किया वो अच्छा था, मैं तो खुद आउटरेज्ड हूँ, बट मैंने जो देखा है वो सेगमेंट, मैंने उस एरिया में काम किया, वो लोग